नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पटौदी में सोमवार देर रात को हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम दबंगों ने भीड़ का रूप लेकर एक दलित परिवार पर उस वक्त हमला कर दिया। भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की। घर के पास खड़ी गाड़ियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां दबंगों द्वारा कई राउंड फायरिंग किए गए, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद पूरे पटौदी क्षेत्र में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल पटौदी के बाबरशाह मोहल्ले में रहने वाले राकेश के परिवार को कुछ दबंग लोग काफी लंबे समय से परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के इन दबंग लोगों द्वारा परिवार को हथियार दिखाकर इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा था कि उन्होंने पिछले एक सप्ताह से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। आरोपियों की घर के बाहर हथियार लहराते व परिवार को धमकी देने की वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन दबंगों से छुटकारा पाने के लिए राकेश ने अपने कुछ परिचितों को रेवाड़ी में फोन किया, जिन्होंने सोमवार को इसकी सूचना बजरंग दल को दी। रेवाड़ी से गुड़गांव बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो वह सोमवार रात करीब 9:30 बजे पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचे। उसी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता राकेश व उनके परिवार से बात कर रहे थे कि अचानक भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान गोलियां भी चलाई गई, जिसमें एक गोली युवक के पेट में लगना बताया जा रहा है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को देते हुए परिवार की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। गली में पड़े दिखाई दे रहे ये पत्थर उग्र भीड़ की दास्ता बता रहे हैं। ये पत्थर साफ बता रहे हैं कि यहाँ किस कदर दहशत भरा माहौल बना रहा है। गाड़ी की हालत देखकर लग रहा है कि उग्र भीड़ के हत्थे अगर ये परिवार लग जाता तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 250 से भी ज्यादा थी। वारदात के कारण आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सूचना मिलने के बाद 10 मिनट बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा के बीच पटौदी थाने में पहुंचाया। सूचना मिलते ही ACP व DCP स्तर के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस परिवार पर हुआ हमला कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले 5 दिसंबर 2021 को भी इसी कदर इस परिवार पर भीड़ ने हमला किया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने उस वक्त FIR तो दर्ज कर ली थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज ये हमला दोबारा नहीं होता। फिलहाल मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष से तो शिकायत ले ली है, लेकिन जिस तरह से ACP व DCP स्तर के अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, उससे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। आज सूचना मिली थी कि हमारे कुछ गौरक्षक दल के जो कार्यकर्ता उन पर यहाँ पटौदी में हमला हुआ है। जब यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे जो मोनू माणेसर हैं और उनके कार्यकर्ता कुछ उनके पास रेवाड़ी जो बजरंग दल कार्यकर्ता उनका फोन गया था कि कुछ दलित समाज पटौदी में रहता है जिनको तंग किया जा रहा है, वो उनके रिश्तेदार है। जब यहाँ जाकर के वहाँ उनके घर के अंदर गए, वहाँ सुनील पटौदी जो सामाजिक कार्यकर्ता है दलित समाज से बिलोंग करते हैं, वो उनको वहाँ पे बुलाया और दो साथियों को और भी बुलाया। वो उनके घर के अंदर बैठकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि बाहर से कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई शीशे तोड़ने की आवाज, इस टाइप की आवाज आई। उन्होंने देखा तो बाहर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो फिर उनको पुलिस को फोन किया, सुनील पटौदी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। और पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद सारे जो कार्यकर्ता थे वो सब पुलिस सुरक्षा के अंदर ही थाने में आ गए थे और थाने में लिखित में शिकायत दे दी है। पुलिस की वारदात जब ये हमारे जो कार्यकर्ता दलित समाज के जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनके घर पे बैठे हुए थे, तभी ये बाहर से हमला हुआ। नहीं, हमें इस बारे में पता नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता वो जरूर घायल हुए हैं, बाकी दूसरे समाज से कौन किसके क्या लगे हम कह नहीं सकते। नहीं, अभी हमें कोई मिला नहीं, पुलिस प्रशासन बताया इस बात को, कोई आया कि नहीं आया, हमारे सामने कोई नहीं आया। ऐसा जी, मोनू माणेसर को तो 3-4 रोज से धमकियां मिल रही है और जगह जगह धमकियां मिल रही है। उसके उनके खिलाफ 2 जगह हमने मुकदमा दर्ज कराया है, एक माणेसर पुलिस स्टेशन में, दूसरा सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर भी ली गई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी। नहीं, ऐसा कुछ अभी कुछ नहीं कह सकते कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। हमें बजरंग दल रेवाड़ी से सूचना मिली थी कि एक दलित परिवार है, उनको कुछ मुसलमानों ने परेशान कर रखा है। हम उस सूचना पे हम और हमारी टीम आई थी, हम उनके घर में बैठे थे और हमारे यहाँ पे मौजूद व्यक्ति जो सुनील है वो अपने कल्याण बोर्ड के कुछ बना भी रखे हैं, तो वो भी और हमारे साथी वहाँ पे अंदर बैठे थे, वहाँ पे लेडीजें भी थी। तभी कुछ समय बाद
वहां पे फायरिंग होने की और पथराव की आवाजें आने लगी, जो हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग रहे थे। हमने बाहर झुककर देखा तो करीब 200-250 की भेड़ों ने हमला कर रखा था, और हम उन परिवार को, जो लेडीजे थी और उनके बच्चे को, ऊपर छत पे ले गई उनको बचाने के लिए। हमने पुलिस के पास सूचना दी, पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंच गई थी हमारे पास, और पुलिस ने पूरी सुरक्षा प्रदान करी, और पुलिस की सुरक्षा में ही हम सभी साथी यहां पे थाने में पहुंचे। हमारे काफी साथियों को चोट लगी है जो हमें पता है, हमें उसको नहीं पता किसको गोली लगी है नहीं लगी, क्योंकि हमारी तरफ से कोई फायरिंग या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हम इस बात को स्वीकार कर सके कि हमारी तरफ से कोई बात हुई। हमें नहीं पता थी, हम विपक्ष समझते ही नहीं है। जो दलित परिवार था, दलित परिवार को वो इतनी बुरी बुरी तरह तंग कर रहे थे, 5 दिन से उनकी लेडीजे बाहर नहीं निकली थी, तो वो दलित परिवार को हम जानने के लिए गए थे। वहां पे हमारे साथ मौजूद व्यक्ति भी थे, और जिन्होंने हमला किया, मतलब मुसलमानों ने वहां पे हमला किया, तब ये घटना थी, हमारी तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं। हाँ, 2 दिन पहले की एक फुटेज है हमारे पास, जिसमें वो हथियार लेके घूम रहा है और उनके घर के बाहर ही डांस कर रहा है, नाच रहा है, मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कि हम, मतलब बदमाशी गाने पे चला रहे हैं कि हम तेरे को छोड़ने वाले नहीं है। और आज की भी फुटेज उन्होंने मेरे को भेजी थी, जो रेवाड़ी बजरंग दल वालों ने, आज भी वो एक स्विफ्ट गाड़ी ले रहे थे और स्विफ्ट गाड़ियों से बाहर निकलकर हथियार लहराते हुए उनके घर के बाहर जा रहे थे। और जिस वीडियो की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वीडियो में वो गाने भी बजा रहे थे और उनके घर की तरफ इशारा करके, जो बिल्कुल घर के बाहर, उनके घर की तरफ इशारा करके भी कह रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, जान से मारेंगे तुम्हें। हमारे करीब 4 से 5 लोग घायल हुए, हमारी 2 गाड़ियां टूट गई हैं, और एक गाड़ी में हमारे कुछ कैश रखा था वो भी गायब मिला है। मामला ये है कि ये हमला पहली बार नहीं हुआ है दलित के परिवार पर, पहले पिछले 5 दिसंबर 2021 में भी इस तरह का हमला हुआ था, उसकी शिकायत हमने थाने में दर्ज कराई थी, और ऐसे ही हमला हुआ था, घर पे बहुत भयंकर पथराव किया था, गाड़ियां तोड़ी गई थी, जाति सूचक शब्द इन्होंने बोले थे काफी। आज कल इन लोगों ने धमकियां दी है घर पे जाके, वीडियो फुटेज हमारे पास है, इन्होंने जाति सूचक शब्द गए, हथियार लहराए, जिसकी सूचना हमने पटौदी चौकी में दी थी, और आज हम उस बाबत इन परिवार से मिलने गए कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो मोनू भाई का फोन आया मुझे कि हम यहाँ बैठे हैं राकेश के घर पे, आप आ जाइए, तो हम वहाँ बैठे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि भाई अगर चौकी में सुनवानी हुई तो हम थाने में चलेंगे या ACB के पास चलेंगे। इतनी देर में ही पथराव शुरू हो गया, गाड़ी के शीशे फूटने की आवाज़ आई, तो हमने जंगल में से देखा तो कम से कम 300-400 की संख्या में लोग थे जिन्होंने घर पे हमला किया, पथराव बहुत भयंकर पथराव हुआ। फिर उसके बाद मैंने खुद 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच गई थी। एक्चुअल में उनका जो राकेश जी वो पीड़ित हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि वो कुछ शरारती तत्व हैं जो उन छोटे छोटे बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं जानबूझकर, वो किसी तरह उनसे मतलब लड़ाई करने के बहाने ढूंढते हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार हमला हुआ है ऐसा। बिल्कुल जी, वो रात को आते हैं, दारू पी के गालियां बकते हैं और हथियार दिखाते हैं। पिछले बार भी जब घर पे हमला किया तो शाम को 5 बजे हमला हुआ था, उस समय वो दिन दहाड़े उन्होंने हथियार लहराए हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, वो रिपोर्ट अभी दर्ज पड़ी है थाने में। प्रशासन की तरफ से अभी हमने कंप्लेंट दे दी है, लेकिन जो हमलावर हैं वो ऐसी वारदात रोज करते रहते हैं, उनके ऊपर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया गया है। कि वो समाज के सामाजिक तत्व हैं, वो सारे सामाजिक कार्य करते हैं और उनके रोज शिकायत थाने में दर्ज रहती है, अवैध हथियार रखते हैं वो, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं, उन पर कभी नकेल नहीं कसी गई प्रशासन द्वारा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।